नाज़रीन, मैं नाज़ मिर्ज़ा, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। इन्हदामी कार्रवाइयों के लिए कमिश्नर ने D-54 का जायजा लिया। किनाल पर मुतअद्दिद गैर मजाज कब्जे, गंदे पानी की निकासी में शदीद दुश्वारियाँ, तवक्को है कि जल्द ही इन्हदामी कार्रवाई की जाएगी। बतकमा त्यौहार का आगाज हुआ। तेलंगाना में इस त्यौहार का जोश खरोश से एहतमाम किया जाता है। 9 दिन तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। मुख्तलिफ तालीमी इदारों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। हैदराबाद में 5वें दिन भी इन्हदामी कार्रवाई जारी है। अब तक हैदराबाद बल्दिया ने 300 से ज्यादा गैर मजाज तामीरात को उखाड़ फेंका। बारिश में पानी की निकासी में दुश्वारी पर इन्हदाम करने हुकूमत का सख्त फैसला। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी नुक्ते उरूज पर, हंगामी हालात के लिए तैयार रहने के अहकाम जारी। वजीर आजम ने आला सतही इजलास तलब किया और हालात के ताल्लुक से मशावरत की। नाज़रीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सआदत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ज़ुल्जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान नियायती रहम वाले हैं। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को बग़ैर इसके के वो किसी का खातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले, तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले, इसने गोया तमाम लोगों को ज़िंदा कर दिया। और इनके पास हमारे बहुत से रसूल ज़ाहिर दलीलें लेकर आए, लेकिन फिर इसके बाद भी इनमें के अक्सर लोग ज़मीन में जुल्म व ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने वाले ही रहे। जो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़े और ज़मीन में फसाद करते फिरे, इनकी सज़ा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएँ या सूली पर चढ़ा दिए जाएँ या मुखालिफ जानिब से इनके हाथ पाँव काट दिए जाएँ या उन्हें जिला वतन कर दिया जाए। ये तो हुई इनकी दुनियावी ज़िल्लत व ख़वारी, और आखिरत में इनके लिए बड़ा भारी अज़ाब है। सूरतुल माईदा आयत 32-33। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह जल्ल शानहु के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान नहायती रहम वाले हैं। हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का है। इसी में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इसी में इनकी वफ़ात हुई, इसी में क़यामत आ गई। लिहाजा इस रोज़ तुम मुझ पर कसरत से दुरूद भेजो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश होने वाला है। सहाबा रिजवान अलैहि अजमाइन ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारा दुरूद कैसे पेश होगा, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसीदा हो चुके होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अम्बिया के जिस्मों को खाए। हदीस मुबारक अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा व अहमद। अब खबरें तफसील से। बारिश से मुतासिरा इलाकों का बाजरेडी गोवर्धन ने दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को नुकसान का तखमीना तैयार करने की हिदायत दी और मुतासरीन को तयखुन दिया के मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। रुकन असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाजीरेडी गोवर्धन ने अपने हल्के असम्बली का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का तफसीली जायजा लिया। हालिया बारिश ने किसी मौजजात में अपनी तबाही के निशान छोड़े हैं। कई मुकामात पर मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं और दीगर कई मसाइल पेश आए। बाजीरेडी गोवर्धन ने इन मसाइल की तेज़ रफ्तार यकसुई के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी और उन्होंने अवाम से गुफ्तगू करते हुए तयखुन दिया कि जल्द ही इनके मसाइल की यकसुई करवाएंगे और मुमकिन राहत के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने अपने दौरे के दौरान मुनहदिम होने वाले मकानात, बारिश से मुतासिर फसलों और टूट फूट का शिकार होने वाले नालों का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो नुकसान का तखमीना तैयार करें और मुमकिन इमदाद की फराहमी के इकदाम करें। ఎల్తనే చెప్పినా మీ కాలనీకి వచ్చాను చెప్తారా బాబు అని చెప్పాను నేను
अंदमुना मनसो वरदल भागना अन्नी ग्रमा दिखाई तुम्हें कोई रूम मूर्ण साल वा नैन कॉनी रे वस्तान जरिए अंकने को तरह चक्रन पेन तरह ग्राम जी ग्रमा सदर्भंग ग्राम सर्पंच गार सोदरी मणि जिस मंजुला गार अदे विधा मन मंडल डेप्यूटी सोदरी मणि धन्य श्रीनिवास रेड्डी गार अदे विधा सोदर मन मजी सर्पंच बालय गार अदे विधा ఇక్కడ నాతో పాటుటువంటి సోదరులు దీకొండ శ్రీ फसलों के नुकसानात का सामना करने वाले किसानों की फौरी माली इमदाद की जाए। अब तक इन नुकसानात का जायजा न लेने वाले ओहदेदारों को बरतरफ किया जाए। मुतासिरा इलाकों का दौरा करने वाले साबिक रियासती वजीर का मुतालबा। साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने आज रेंजल और नवीपेट मंडलों के बारिश से मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बारिश से मुतासिर होने वाले फसलों का जायजा लेने के बाद कहा कि किसानों की फिलफोर इमदाद की कार्रवाई करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर अब तक किसी भी ओहदेदार ने इस नुकसान का जायजा लेने की कोशिश नहीं की, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। उन्होंने कहा कि लापरवाह ओहदेदारों को बरतरफ किया जाना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफोर किसानों के नुकसान का तखमीना तैयार करते हुए उन्हें इमदाद फराहम की जाए। इस मौके पर इनके हमरा सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान और प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर के अलावा दिगर कायदीन मौजूद थे। ब्रीच చేయని పరిస్థితి అంటే కామదార్లు ఏం చేస్తా ఉన్నారు విలేజ్ సెక్రటరీ అంటారా విలేజ్ సెక్రటరీ ఏం చేస్తా ఉన్నారు బిఆర్ఓ అల్లది అలాపైన యాక్షన్ తీసుకోండి మరి గ్రామస్తులకు కూడా అడుగుతా ఉన్నారు కనీసం ఈరా ఏం చేసుకోలేదు అధికారుల మీద యాక్షన్ తీసుకుందాం గానీ మరి మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు ఉగ్రంద ఎవరను నాంగను మాట్లాడు కాదు కదా తప్పనిసరిగా నేను గ్రామస్తులను కూడా కొందరు ఖండిస్తూ అధికారులకు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను పెద్ద చెరువు కాబట్టి D54 किनाल के कब्जों को बर्खास्त करवाने बल्दी ओहदेदारों ने जायजा लिया। किनाल में की गई तामीरात निशाना बनेगी। इसके अलावा इसके करीबी मौजूद नाले की रुकावटों का भी कमिश्नर और टाउन प्लानिंग ऑफिसर ने जायजा लिया। हालिया बारिश ने निजामाबाद शहर में बल्दिया की कारकर्दगी की पोल खोल दी थी। कई इलाकों में पानी जखीरा हो गया था और माहौल किसी सैलाब जदा इलाके की अकासी कर रहा था। इस सूरत हाल को लेकर अवाम में शदीद बरहमी पैदा हो गयी। शहर में ड्रेन सिस्टम बिल्कुल ही नाकाम साबित हुआ। बिलखसूस 13 और 14 फाइनेंस के तहत तामीर शुदा ड्रेन इंतहाई नाकाम साबित हुए। हाल ही में तामीर की गई ये नए ड्रेन महज पैसों के इसराफ का सबब साबित हुई और ये ड्रेन जिन मुकामात पर तामीर हुई वहाँ पर इनकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जहाँ इंतहाई अहमियत और जरूरत थी वहाँ पर ड्रेन अब भी शिकस्ता हाल और टूट फूट का शिकार है। अपनी हालिया नाकामी और बदनामी से शदीद बौखलाहट का शिकार बल्दिया ने नालों पर की गई नाजायज तामीरात को मुनदिम करने का काम शुरू किया। दो दिन कबल बल्दिया ने एक नाले पर बनी हुई एक होटल को मुनदिम कर दिया था और कल की ही बात है कि अरसापल्ली में बरखी सब स्टेशन के करीब गैर मजाज तामीरात को मुनदिम किया गया और फिर साथ ही एक खानगी अराजी पर दखल अंदाजी ने एक तनाजा भी खड़ा कर दिया था। आज महकुमे बल्दिया के कमिश्नर CH नागेश राव और टाउन प्लानिंग डायरेक्टर अनुराधा ने आज D54 पर किए गए नाजायज कब्जों का जायजा लिया और फिर तय किया गया कि जल्द ही इन कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि हुकूमती अहकामात पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया जा रहा है, बिलखसूस नालों पर हुए कब्जों को बर्खास्त करवाने के लिए सख्त की रवैया अख्तियार किया जा रहा है और इस मामले में किसी किस्म की उज्रदारी नाकाबिले कबूल है। सीताराम नगर कॉलोनी की अवाम को शिकायत है कि उन्हें तमाम तरबल्दी सहूलतों से महरूम रखा गया है। इनका सवाल है कि ये कॉलोनी शहर का हिस्सा है या फिर जंगल का। मुखामी अवाम ने खुद ही सड़क को हमवार करते हुए बल्दिया की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। सीताराम कॉलोनी जो शहर की ऐसी कॉलोनी है जहाँ की अवाम का कहना है कि वो तमाम तर बल्दी सहूलतों से अक्सर महरूम है। वो नहीं जानते कि बल्दिया क्या काम करता है।
और आखिर महकुमे बल्दिया किस मर्ज की दवा है। सीताराम कॉलोनी की अवाम की बरहमी समझ भी आती है जब उनको खुद ही अपने घरों के सामने जमा होने वाले पानी से नजात हासिल करने के लिए अपने पैसों से मिट्टी डलवानी पड़ी है और फिर खुद ही इस मिट्टी को सड़क पर फैलाना पड़ा है। इस मोहल्ले के मर्द खवातीन और बच्चों ने अपने हाथों से इस सड़क को हमवार बना लिया। वो घरेलू खवातीन जिन्होंने कभी कोई मेहनत तलब काम नहीं किया था, फोड़ा और टोकरा पकड़कर इस मिट्टी को फैलाने पर मजबूर हुए हैं, तो फिर महकमे बल्दिया के ओहदेदारों को डूबकर मर जाना चाहिए। मुकामी शख्स ने बताया कि इनके मोहल्ले में नालियों की तामीर नहीं की गई और गंदी कच्ची नालियों की सफाई पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। खंभों पर लाइट्स का नज्म नहीं है। खुले मैदानों में जंगली झाड़ियाँ उग आई हैं जहाँ बाकसरत सांप मौजूद है, जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। यहाँ पर कच्ची सड़कें चलने के काबिल नहीं हैं और नलों से आलूदा पानी सरबरा होता है। उन्होंने बताया कि साबिका कॉरपोरेटर और मौजूदा कॉरपोरेटर दोनों ही गैर कारगर साबित हुए हैं और ये लोग सिर्फ इलेक्शन के मौके पर ही नजर आए थे और उसके बाद से इनका कोई पता नहीं है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी की अवाम ने बारहा नुमाइंदगियाँ और ख़ुद उन्होंने ज़िला कलेक्टर की जानिब से अवामी शिकायतों के लिए दिए गए टोल फ्री नंबर पर कई बार कॉल करते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी, मगर सब ला हासिल रहा। इनके मसाइल जूं के तूं बरकरार रहे, लिहाजा अब खुद कॉलोनी की आवाम ने फैसला लिया कि वो खुद अपने मसाइल के एक सुई के लिए इकदामात करेंगे और फिर एक प्रोग्राम, जिसको शर्मदान प्रोग्राम कहें या फिर मजबूरी, आज इस सड़क को हमवार कर लिया गया है। డ్రైనేజీ ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే వర్షాల వల్ల నీళ్లు మొత్తం నిండిపోయినాయి. స్కూల్కి పోకుండా పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటున్నారు, తర్వాత వాళ్ళు నడవలేని పరిస్థితి, వాళ్ళకు దోమల వల్ల జ్వరాలు వస్తున్నాయి. హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసినాము, ఏంటంటే మాకు పోనీకి దారి లేకుండా మట్టి మేమే పోసుకుంటున్నాము. అందరం మున్సిపాలిటీకి కూడా మేము కంప్లైంట్ చేసినా ఎవరు పట్టించుకోలేదు. నగర్ కాలనీ బాధలు ఇవాళ పుట్టినవి కాదు, గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి చాలా ఘోరంగా ఉంది ఈ ఏరియా. ఏ కార్పొరేటర్, ఇది వరకు ఉన్న కార్పొరేటర్ పట్టించుకోలేదు, ఇప్పుడు తయారైన కార్పొరేటర్ కూడా పట్టించుకోలేదు. చాలా దరిద్రంగా తయారైపోయింది రోడ్ల పరిస్థితి, డ్రైనేజ్ పరిస్థితి, ఆక్యుపైడ్ ప్లేసెస్ కింద ఇది అయిపోయింది. మరి కేసీఆర్ గారేమో ఒక పక్కనే ఆక్యుపైడ్ బిల్డింగ్లు అన్నీ బదలు కొట్టిస్తుంటే చిన్న చిన్న ఆక్యుపైడ్ ప్లేసెస్, డ్రైనేజీలు వాడుకుంటున్న వ్యక్తుల్ని వీళ్ళు ఏం పట్టించుకోరేందుకు. ఎన్నోసార్లు నేను టోల్ ఫ్రీకి ఫోన్ చేశాను, కలెక్టర్ గారు ఏదో ఇచ్చారు కదా నెంబరు, టోల్ ఫ్రీ నెంబరు, దానికి కూడా 4 సార్లు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఇది రికార్డ్ ఎవిడెన్స్, దీన్ని ఎవరు కాదనలేరు కదా. మరి ఎందుకు పట్టించుకోవటం లేదు, వాళ్ళు ఏం లబ్ధి పొందుతున్నారు ఈ ఆక్యుపైడ్ పర్సన్స్? అంటే మేము రిటైర్ అయిపోయి ముసలోళ్ళం అయిపోయాం కాబట్టి మేమేం చేయలేమన్నా. डिप्टी कमिश्नर बल्दिया लिम्बादरी वजीफे पर सबक दोष हुए। मेयर बल्दिया और कमिश्नर ने विदाई तकरीब में उन्हें तहनियत पेश की और उनकी खिदमात की सताइश की। लिम्बादरी ने कहा कि वो बहुत यादें और मोहब्बतें लेकर रुखसत हो रहे हैं। महकमे बल्दिया में कई सालों से खिदमात से वाबस्ता रहते हुए कई मुकामात पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मकबूलियत व हर दिल अजीजी हासिल करने वाले निजामाबाद बल्दिया के डिप्टी कमिश्नर लिम्बादरी 30 सितंबर को वजीफे पर सबकदोश हो गए। इनके वजीफे पर सबकदोशी से एक दिन कबल महकमे बल्दिया की जानिब से इनके एजाज में एक विदाई तकरीब रखी गई, जिसमें मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव, प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी N रत्नाकर के अलावा दिगर बल्दी ओहदेदार और कॉरपोरेटर्स भी शरीक थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर की खिदमात की सताइश की गई और उन्हें जबरदस्त तहनियत पेश की गई और इनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई। कॉरपोरेटर रघु और रियासती फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी खलील अहमद ने भी उन्हें तहनियत पेश की। लिम्बादरी ने कहा कि उन्होंने फर्ज शनासी से अपनी खिदमत अंजाम दी थी और अब वो अपनी मियाद की तकमील के बाद वजीफे पर सबकदोश हो रहे हैं। इस दरमियान उनके पास बहुत सी यादें भी महफूज है, जिनमें अच्छी भी यादें हैं और तलख भी। उन्होंने कहा कि वो अपने साथियों से अलग होने पर गमजदा है, लेकिन रुखसती एक रिवायत है जिसे इनहराफ मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी खिदमात को मुमकिन ईमानदारी से अंजाम दिया है। उन्होंने इनको तहनियत पेश करने वाले तमाम अफराद से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मैं बहुत सी मीठी यादें और मोहब्बतें लेकर जा रहा हूँ।
కృష్ణయ్య గారికి ప్రభాకర్ గారికి అందరికి మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఉద్యోగం అన్నప్పుడు రిటైర్మెంట్ తప్పకుండా ఉంటుంది. కొంచెం మాకు కూడా బాధాకరంగా ఉంది, ఎందుకంటే మంచి వ్యక్తి ఈరోజు రిటైర్మెంట్ అయ్యి తక్కువ సమయంలోనే 3 నెలల సమయంలోనే రిటైర్మెంట్ అయ్యి వెళ్తున్నందుకు కొంచెం బాధగా ఉన్నా కొంచెం సంతోషంగా ఈరోజు 4 చేసి ఇక్కడ మన నిజామాబాద్ నగరపాలికలో 3 నెలల నుంచి ప్రజలకు సేవలు అందిస్తూ మా కార్పొరేటర్ అడిగిన సలహాలు సూచనలకి సమాధానాలు చెప్పుకుంటూ మంచి సలహా సూచనలు ఇచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. शहर के एक स्कूल में बतकमा त्यौहार का इनेकाद मेयर बल्दिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की. उन्होंने तेलंगाना के रिवायती प्रोग्राम के इनेकाद पर स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद दी. सेंट जवारिस स्कूल में आज इंतजामिया की जानिब से बतकमा त्यौहार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बतकमा प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इस मौके पर किए जाने वाले रिवायती रक्स में भी शामिल हुई. उन्होंने बताया कि बतकमा त्यौहार तेलंगाना का रिवायती त्यौहार है जो बिलखसूस खवातीन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है. उन्होंने इस कामयाब प्रोग्राम पर स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद दी और बताया कि इस त्यौहार का आज से आगाज हुआ है और ये मुसलसिल 9 दिन तक जारी रहेगा. इस प्रोग्राम में इस स्कूल के टीचर्स और तालिबात ने भी भरपूर हिस्सा लिया. मैं स्टडी टूर लो भागंगा 15 रोज़ చండీగఢ్కి వెళ్ళడం ఢిల్లీకి వెళ్ళడం జరిగింది. అందులో భాగంగా బతుకమ్మ పండుగ వస్తుందని ఒక రోజు ముందే రావడం జరిగింది. నేను రాగానే స్కూల్ టీచర్స్ కానీ వాళ్ళు వచ్చి నాకు చెప్తుంటే నేను కొద్ది టైం అయిన ఇచ్చి బతుకమ్మ ఆడడానికి వస్తాను చెప్పి 5 నిమిషాలు అని చెప్పి గంటన్నర టైం ఇక్కడే స్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు ఎంతో బ్రహ్మాండంగా ఎంత చక్కగా నగలు పెట్టుకొని మంచి డ్రెస్సెస్ వేసుకొని మన తెలంగాణకు సంబంధించిన డ్రెస్సెస్ వేసుకొని రోజు వడ్డాలం అనేది మర్చిపోతున్న రోజుల్లో కూడా వడ్డాలం పెట్టుకున్న అమ్మాయిలను చూస్తుంటే ఎంత అద్భుతంగా అనిపిస్తుందంటే వారి నగలను చూస్తుంటే కూడా అన్ని గుర్తుకొస్తున్నాయి. అప్పుడు చక్కగా తయారయ్యారు పిల్లలందరూ, అలంకరణ చక్కగా చేసుకున్నారని ఇప్పుడు కూడా బతుకమ్మ కార్యక్రమంకు మేయర్ ఆకుల సుజాత గారికి 50 రూపాయలు అబ్ ఆజ్ హమారే లడ్కియా ఆర్ హమారే ఉపాధ్యాయ అధ్యాపక सभी लोग यहाँ पर बतकम्मा का इतना अच्छा करे कि इसका बोलना भी बहुत मुश्किल है. कितने सुबह उठ के तरह तरह के फूल ला के उसे सजाए और सुबह से सभी लोग यहाँ पर ही उपस्थित रहकर. हरिचरण स्कूल में बतकमा त्यौहार का इनेकाद अमल में आया, जिसमें स्कूली टीचर्स और तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया. स्कूल के जिम्मेदार ने तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की. तेलंगाना का रिवायती वो अहम त्यौहार बतकम्मा हर साल हिंदू भाई जोश खरोश से मनाते हैं. बिलखसूस इस त्यौहार में हिंदू खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है. इस त्यौहार में हिंदू देवी पार्वती की पूजा की जाती है और ये सिलसिला 9 दिन तक जारी रहता है. इस नवरात्रि में बतकम्मा और डांडिया भी खेला जाता है. हरिचरण मारवाड़ी हिंदी विद्यालय में आज बतकम्मा त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें स्कूली टीचर्स और तालिबात ने पुरजोर हिस्सा लिया और जबरदस्त पैमाने पर बतकम्मा खेला गया. इस मौके पर इस स्कूल के जिम्मेदार ने कहा कि तेलंगाना के इस त्यौहार पर वो तेलंगाना अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी दहशतगर्दी पर मौसर जवाबी कार्रवाई करने पर मुल्क के सिपाहियों और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क की अवाम इनके साथ है. तेलंगाना का राष्ट्रीय पर्व है और हमारे तेलंगाना की पहचान है. मैं सभी को बतकम्मा एवं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. बतकम्मा माता पार्वती का एक स्वरूप है. 9 दिन तक चलने वाला ये उत्सव स्त्रियों में उत्सव को लेकर बड़ी उत्साह रहता है, क्योंकि माँ जो है वो हमारे को हल्दी धान सब देती है, तो औरतें जो है हल्दी लगा के इसकी पूजा करती है. कामारेड्डी के कॉलेज में भी बतकम्मा त्यौहार का एहतमाम, जिसमें कई खातून खायदीन ने शिरकत की और बतकम्मा खेलते हुए अपने जोशो खरोश का इजहार किया. इंतजामिया ने तमाम शुरका से इजहार तशक्कुर किया.
आर के डिग्री कॉलेज कामारेड्डी में भी बतकम्मा त्यौहार के आगाज़ के मौके पर कॉलेज इंतजामिया की जानिब से बतकम्मा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कॉलेज के लेक्चरर्स और तालिबात ने हिस्सा लेते हुए बतकम्मा खेला। इस प्रोग्राम में निज़ामबाद की कॉरपोरेटर्स विशालनी रेड्डी और दिगर ने शिरकत करते हुए बतकम्मा रक्स किया। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि इस प्रोग्राम में ZPTC, MPTC कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स को मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से बुलाया गया और तमाम ने शिरकत करते हुए हमारी हौसला अफजाई की है, जिसके लिए इंतजामिया इनसे इजहार तशक्कुर करता है। नाज़रीन अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। हैदराबाद में मुसलसिल गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया जा रहा है। 300 से ज़ायद कब्ज़ों को बर्खास्त किया गया। पानी की निकासी की राहें हमवार करने बल्दिया की कोशिश। हैदराबाद में गुज़श्ता 5 दिन से गैर मजाज नालों पर की गई तामीरात को बल्दिया की जानिब से मुनहदिम किया जा रहा है और अब तक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 300 से ज़ायद गैर मजाज कब्ज़ों को निकाल फेंका है। GHMC कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने कहा कि शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में लोगों ने नालों की जगहों पर कब्जा करते हुए अपने दुकानात या मकान तामीर कर लिए हैं, जिसकी वजह से बारिश की सूरत में तेज़ रफ्तार पानी की आमद के मौके पर ये गैर मजाज तामीरात रुकावट बन रही हैं और पानी की निकासी में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद में हालिया तूफानी बारिश के मौके पर शहर में कई मकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ कुछ अफराद की अदालत में शिकायत। हाई कोर्ट ने 6 अफराद को राहत दी और बल्दी अमले को हिदायत दी कि इनको पहले नोटिस दी जाए। शहर में इन्हदामी कार्रवाई का सिलसिला तेज रफ्तारी से जारी है। बल्दिया का अमला रोजाना शहर के किसी न किसी हिस्से में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर रहा है, जिनमें अक्सरियत ऐसी तामीरात की है जो किसी न किसी नाले के ऊपर तामीर की हुई हैं। बल्दिया की इस तेज रफ्तार इन्हदामी कार्रवाई से बोगलाट का शिकार 6 अफराद ने इस इन्हदामी कार्रवाई को रोकने के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर हाईकोर्ट ने हुक्म जारी करते हुए बल्दिया को हिदायत दी कि निज़ाम पेट के रहने वाले इन 6 दरख्वास्त गुजारों की तामीरात को बगैर किसी नोटिस के मुनहदिम न किया जाए और उनको कम अज़ कम 3 नोटिसें जारी की जाएं। लेकिन हाईकोर्ट ने वजाहत भी कर दी है कि यह हुक्म अल्तवा सिर्फ इन 6 अफराद तक ही महदूद है जिन्होंने दरख्वास्त दाखिल की थी। नौजवान तलबा को फनी तरबियत फराहम करने और रोजगार से मरबूत करने के लिए मुफ्त तरबियती क्लासों का अहतमाम। दाखिलों के लिए दरख्वास्तें हासिल की गई। अखिलती नौजवानों को रोजगार के हसूल के लिए फनी तरबियत फराहम करने महकुमा अखिलती बहबूद की जानिब से दरख्वास्तें तलब की गईं। हजौज नामपल्ली में वाक़ दफ्तर अखिलती बहबूद व मालियाती कारपोरेशन के जनरल मैनेजर दिलावर हुसैन ने बताया कि फनी तरबियत फराहम करने के लिए तलबा से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इन तलबा को ब्यूटिशन, CCTV कैमरा और IT शोबे से मुतालिक कोर्सेस ECIL और ECIT की तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों का इंटरव्यू के जरिए इंतखाब होगा और उन्हें मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। हैदराबाद शहर में अमराज़ क़ल्ब से एहतियात कैसे मुमकिन के उनवान से सेमिनार का अहतमाम। मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने शिरकत की और मुफीद मशवरे देते हुए शौर बेदारी की। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर शहर हैदराबाद के खानगी दवाखाने में माहिरीन ने अमराज़ क़ल्ब डॉक्टरों ने एक सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें लोगों को इमराज़ क़ल्ब से मुतालिक शौर बेदारी के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन ने लेक्चर्स दिए। इस लेक्चर के दौरान इमराज़ क़ल्ब और उससे बचाव के तरीक़ेकार पर तफसीली रोशनी डाली गई। डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट अटैक उम्र के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए 30 साल से ज़ायद उम्र के हज़रात वक्फे से अपनी तिब्बी जाँच करवाते रहें, इस तरह इस मोहल्लिक मर्ज से बचा जा सकता है। 15वां प्रगति इजलास का इनेकाद वज़ीर आज़म की इख्तिरा। इस प्रोग्राम में हुकूमती प्रोग्रामों और प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आला अहदेदारों के साथ 15वां जायजा इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क के तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए वक्फे वक्फे से जायजा इजलास मुनक़िद करने का फैसला लिया था और इस इजलास को प्रगति इजलास का नाम दिया गया था। वज़ीर आज़म का यह 15वां प्रगति इजलास था जिसमें उन्होंने अहदेदारों के साथ गुफ्तगू की। इस अहम इजलास में वज़ीर आज़म ने अहम तरीन हुकूमती स्कीमात पर अमल आवरी की सूरत हाल का जायजा लिया और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने महकुमा इनकम टैक्स में दरपेश शिकायतों के अजाले के लिए की जाने वाली मनसूबाबंदी से मुतालिक तफसीलात हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि आवाम को हुकूमती स्कीमात से फिलफोर मुस्तफीद करने और कामों को तेज़ रफ्तार बनाने के लिए अहदेदार असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। राहुल गांधी को राहत मिली, आसाम की अदालत ने उन्हें शख्सी जमानत दी और 5 नवंबर को फिर से हाजिर होने का हुक्म दिया। इजाला इज्जतुर्फी यानी डिफार्मेशन मुकदमे का सामना करने वाले नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी आज आसाम की अदालत से रुजू हुए। आरएसएस के खिलाफ मुतनाजा बयान देने पर आरएसएस की जानिब से उन पर हतक इज्जत का दावा दायर किया गया था। आज राहुल गांधी गुवाहाटी की अदालत में शख्सी तौर पर हाजिर हुए। इनकी शख्सी हाजिरी को अहमियत की नज़र से देखते हुए मौजूदा अदालत ने उन्हें शख्सी मचलके पर जमानत देते हुए राहत फराहम की। इस मुकदमे की अगली समाअत 5 नवंबर को रखी गई है। अदालत ने हिदायत दी कि राहुल गांधी 5 नवंबर को भी शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर रहें। दिसंबर 2000 में यहाँ की आवाम ने राहुल गांधी को एक मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी थी, जिस पर राहुल ने रिमार्क किया था कि इनको रोकने के पीछे आरएसएस का हाथ है। इस इल्जाम पर आरएसएस के कारकुनों ने इन पर इजाला इज्जतुर्फी का ये दावा दायर किया है। हिंदुस्तानी फौज की शानदार कार्रवाई, सरहद में मदाखिलत की कोशिश महंगी पड़ी, कई दहशतगर्द मारे गए। हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त कार्रवाई करते हुए कई दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने एक सहाफती इजलास में इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानी फौज ने सरहदी इलाकों में 8 सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए तरबियत याफ्ता कई पाकिस्तानी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। उन्होंने बताया कि बावासूख खुफिया ज़राए से इतला मिली, जिस पर फौज ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जनरल रणबीर सिंह ने बताया कि एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक की इतला पाकिस्तान को दे दी गई है। सरहद पर हिंदुस्तान ने 2 पाकिस्तानी सिपाहियों को हलाक कर दिया, पाकिस्तानी वजीर आजम की बरहमी और कहा कि दोस्ती को बुजदिली ना समझा जाए। पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने एलओसी पर 2 पाकिस्तानी सिपाहियों की मौत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरहदों पर हिंदुस्तानी फौज का हमला काबिले मजम्मत है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन उसको पाकिस्तान की कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज मुल्क की सरहदों और मुल्क की हिफाजत करना बखूबी जानती है और पाकिस्तान पर होने वाले किसी भी हमले का मौसर जवाब देने की अहलियत व सलाहियत रखती है। उरी दहशतगर्द हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने हुकूमत तैयार, सरहदी इलाकों को खाली करवाया गया और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उरी कैंप पर दहशतगर्द हमले का बदला लेने के लिए हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई का जवाब देने के लिए पाकिस्तान की जानिब से भी मुमकिन कार्रवाई की सूरत में उसको मुनासिब और करारा जवाब देने के इकदाम किए जा रहे हैं, इसीलिए सरहदी रियासतों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीरात दाखिला की हिदायत पर कश्मीर, गुजरात और पंजाब में सरहद से मुतसिल देहातों को खाली करवा दिया जा रहा है और सरहद से 10 किलोमीटर के फासले में मौजूद हर देहात में स्कूलों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया और इन सरहदी इलाके की आवाम को बसाने के लिए आरजी कैंप कायम किए जा रहे हैं। इन कामों के लिए सरहदी अजला को 1-1 करोड़ रुपये फंड जारी किए गए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में जबरदस्त इजाफा, वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स और सरहद की सूरत हाल का जायजा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फौज की जबरदस्त कार्रवाई और पाकिस्तान के सख्त बयान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ने अपनी आखिरी हदों को भी पार कर लिया है। इस कशीदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया। साउथ ब्लॉक में मुनक़िदा इजलास में आर्मी चीफ जनरल दरबीर सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी फौज के सर्जिकल स्ट्राइक और सरहद की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अपने काबिनी रुफ़ा वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज, वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर और वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली के साथ इस हसास सूरतहाल पर गुफ्तगू की। दूसरी तरफ इस हसास सूरतहाल में मशावरत के लिए
वजीर आजम ने कुल जमाती इजलास भी तलब किया है। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर ने अपने हिंदुस्तानी हममनसब से फोन पर गुफ्तगू की और उरी दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। अमरीका की कौमी सलामती मुशीर सोजिन राइस ने अपने हिंदुस्तानी हममनसब अजय देवाल से गुफ्तगू करते हुए उरी दहशतगर्द हमले की कड़ी मजम्मत की। सुजैन ने अजय देवाल से अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि व्हाइट हाउस पाकिस्तान से तवक्को रखता है कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस इकदाम करेगा। इस मौके पर सुजैन राइस ने बताया कि सदर अमरीका बारिक ओबामा आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले खातियों को आलमी इंसाफ के कटरे में लाने के अजायम रखते हैं। सुजैन ने अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के बारे में भी बात की। कमला जी, अमेरिकी वजीर खारजा जान केरी ने भी अपनी हिंदुस्तानी हम मनसब वजीर खारजा सुषमा स्वराज से भी दो मरतबा फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए उरी कैंप पर हुए दहशतगर्दाना हमले की कड़ी मजम्मत की थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इन्हदामी कार्रवाइयों के लिए कमिश्नर ने D-54 का जायजा लिया। किनाल पर मुतादिद गैर मजाज कब्जे, गंदे पानी की निकासी में शदीद दुश्वारियां, तवक्को है कि जल्द ही इन्हदामी कार्रवाई की जाएगी। बतकमा त्यौहार का आगाज हुआ। तेलंगाना में इस त्यौहार का जोश व खरोश से अहतमाम किया जाता है। 9 दिन तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। मुख्तलिफ तालीमी इदारों ने इस प्रोग्राम का अहतमाम किया। हैदराबाद में 5वें दिन भी इन्हदामी कार्रवाई जारी है। अब तक हैदराबाद बल्दिया ने 300 से ज्यादा गैर मजाज तामीरात को उखाड़ फेंका। बारिश में पानी की निकासी में दुश्वारी पर इन्हदाम करने हुकूमत का सख्त फैसला। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी नुक्ते उरूज पर हंगामी हालात के लिए तैयार रहने के अहकाम जारी। वजीर आजम ने आला सतही इजलास तलब किया और हालात के ताल्लुक से मशावरत की। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।